नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। 2019 में घट जाएगी भारत की विकास दर, अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन की रफ्तार पर भी लगेगी लगाम। बॉलीवुड अभिनेता आलोक नाथ पर भी लगा उत्पीड़न का आरोप, प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट में दी जानकारी। आचार संहिता के बावजूद तबादलों का दौर जारी, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र। और प्रदेश भाजपा में नजर आने लगी आंतरिक कलह, महिला मोर्चा की प्रेस वार्ता में सुमन शर्मा और महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष के बीच नोकझोंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2018 में भारत के विकास दर के अनुमानों को 7.3% पर बरकरार रखा है, लेकिन 2019 के लिए अनुमान में 0.1% की कटौती कर दी है। IMF ने 2019 के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.4 कर दिया है। वहीं IMF ने भारत के मुकाबले चीन के विकास के पूर्वानुमान में भी कटौती की है। IMF ने 2019 के लिए चीन के विकास दर के अनुमान को 6.4 से घटाकर 6.2% कर दिया है। दरअसल IMF का मानना है कि चीन पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर उसके विकास दर पर पड़ेगा, इसलिए उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यही कारण है कि IMF ने 2019 के लिए विकास दर में मामूली रूप से कमी कर दी है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु विस्फोटकों को 1300 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इसकी जद में कई भारतीय शहर हैं। सेना के रणनीतिक बल कमांड द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि रणनीतिक बल कमांड द्वारा इसकी परिचालन व तकनीकी तैयारी जांची गई। अप्रैल में पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बाबर मिसाइल का भी परीक्षण किया था। बॉलीवुड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले तनुश्री दत्ता और कंगना ने यौन शोषण का आरोप लगाया, तो वहीं अब इन आरोपों की चपेट में हिंदी सिनेमा जगत के संस्कार बाबू भी आ गए हैं। आलोक नाथ पर ये आरोप उनके साथ काम कर चुकी प्रोड्यूसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके लगाए हैं। विंटा नंदा ने सोशल मीडिया पर लंबा सा पोस्ट लिखा और अपनी आपबीती लोगों को बताई। विंटा नंदा ने फेसबुक पर खुलेआम लिखा है कि मुझे पार्टी में बुलाया गया था। पार्टी के दौरान मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया, जिसके बाद मुझे अजीब सा लगने लगा। रात के करीब 2 बजे मैं उनके घर से निकली। मुझे किसी ने घर छोड़ने को नहीं कहा। मैं इतने तो होश में थी कि मुझे लगा कि उनके घर पर ठहरना सही नहीं है। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में तबादला सूची जारी की गई। सभी सूचियां बैकडेट में थी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद इन सूचियों के जारी करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर ये सूचियां पहले से ही तैयार थीं, तो आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद क्यों जारी की गई? तृतीय श्रेणी शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपलों सहित करीब 1700 से अधिक शिक्षकों को इधर उधर किया गया है। इनमें कई शिक्षकों को तो मॉडल स्कूल, तो कुछ को समसा में डेपुटेशन पर भी लगाया गया है। शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य विभागों में भी बैक डेट में चल रहे तबादलों को लेकर निर्वाचन विभाग ने सख्ती दिखाई है। निर्वाचन विभाग के आदेश के अनुसार अगर किसी का तबादला हो गया, तो अब आचार संहिता लगने के कारण चुनाव के बाद ही तबादला आदेश की क्रियान्विति होगी। ऐसे में अब इन शिक्षकों का नए स्थान पर जाने का मामला भी अटक गया है। राज्य में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के मामले के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने सबसे ज्यादा नाराजगी तबादलों को लेकर जताई है। विभाग ने यहां तक कहा कि चुनाव की घोषणा के बावजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादलों से चुनाव प्रबंधन में व्याख्यान पैदा होता है। CEO आनंद कुमार ने CS को लिखा कि रोक के बावजूद कई विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। वहीं आचार संहिता के दौरान भर्ती, नियुक्ति व तबादलों में विभागों के छूट संबंधी सारे मामलों के लिए CS DB गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी अब इन मामलों में निर्णय करेगी। फैसले के बाद इसे निर्वाचन विभाग के CEO को भेजा जाएगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। भाजपा नेता सुमन शर्मा और मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 12 अक्टूबर से विजया राजे सिंधिया का जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी।
प्रेस वार्ता को महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा संबोधित कर रही थी। इतने में वार्ता के बीच में भाजपा नेता सुमन शर्मा भी मुख्यालय आ पहुंची। अपने पहुंचने से पहले प्रेस वार्ता शुरू होते देख सुमन शर्मा मधु शर्मा पर भड़क गईं। सुमन शर्मा ने प्रेस वार्ता को बीच में ही रुकवाते हुए मधु शर्मा से जवाब तलब किया। बाद में बात तूतू मैं तक पहुंच गई। सुमन शर्मा ने मधु शर्मा को सीट से हटने के लिए कहा। तो आप लो ना, हम क्या बोलना चाहते हैं सुनो तो सही। आप अभी पूर्व नहीं हो, अभी पूर्व नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को अरे नहीं, अभी कहाँ खत्म हो गया। आप पे 3 साल हो गए क्या? हद करते हो आप लोग। इधर ही आओ, इधर ही आओ, माइक इधर। आप सर को बड़ा मुश्किल था। आप क्या कह रहे हो? मैं ये रहेंगे, ये प्रवक्ता है ये तो। ये मधु जी थोड़ा सर का उधर टाइमिंग का ना हद करती हूँ। क्या करेंगे ना, कुर्सी उधर जाओ। वहीं दूसरी ओर भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजयुमो की नव मतदाता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है जो दिन में सरकार बनाने के सपने देखती है, पर आज का युवा इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस से देश को मुक्त कर हिंद महासागर में डुबोने का निश्चय कर चुका है। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश के चुनाव प्रभारी व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं के बल पर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि जिताओ लोगों को ही टिकट बांटे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने में युवाओं का योगदान रहेगा। बस्सी में रेलवे फाटक के पास सर्व समाज की आम सभा का आयोजन नहीं हो सका। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण सभा का आयोजन नहीं हो पाया। प्रस्तावित सभा में करीब 10,000 लोगों के एकत्रित होने का अनुमान था, लेकिन प्रशासन ने ये कहते हुए टेंट कुर्सियां नहीं लगने दी कि आचार संहिता लग गई है और इलाके में धारा 144 लगी हुई है। इसके बाद सर्व समाज के लोगों ने बस्सी ACP और SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्व समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त को कानोता थाने में SC ST के तहत केशुपुरा निवासी जगदीश शर्मा और रूप नारायण जाट के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे को लेकर SDM कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बस्सी आगरा रोड ग्वालियर रोड के सर्व समाज के लोग मौजूद थे। RUHS में नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का एडमिशन बोर्ड गठित नहीं होने से हजारों नर्सिंग स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में है। 19 अगस्त को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके परिणाम भी जारी कर दिए गए, लेकिन 1.5 माह बाद भी एडमिशन बोर्ड तक गठित नहीं हुआ। ऐसे में ना तो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और ना ही सत्र। इसके 10,000 से अधिक छात्र काउंसलिंग का इंतजार में हैं। इधर निजी कॉलेजों में 1 सितंबर से सत्र भी शुरू हो गया है। RUHS में पिछला सत्र भी इन्हीं गड़बड़ियों की भेंट चढ़ गया था। वर्ष 2017-18 BSc MSc और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन की प्रवेश परीक्षाएं अगस्त में ही हो गईं। उसी समय इन स्टूडेंट्स का काउंसलिंग बोर्ड का गठन होकर कॉलेज आवंटन किया जाना था। शारदीय नवरात्र का बुधवार से शुभारंभ होगा। देवी पुराण के अनुसार देवी का आह्वान पूजन स्थापन आरोपण प्रातःकाल में ही किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में नवरात्र स्थापना सुबह 6:27 से 7:01 तक कन्या लग्न व द्विस्वभाव लग्न करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बुधवार के दिन अभिजीती मुहूर्त को त्यागना चाहिए। इससे लाभ अमृत के चौगड़िया में ही पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शहर की आराध्य आमेर महल स्थित शीला माता मंदिर में शारदीय नवरात्र स्थापना बुधवार सुबह 6:31 पर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।